अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप में से जो लोग चीप में विंडोज 10 या विंडोज 11 खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारे स्पॉन्सर की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको OEM की 650 रुपये में और रिटेल की 1100 रुपये की देखने को मिल जाती है। और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो जो कि है TIBG350, तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ, जाकर चेक कर सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिनेरियो के बारे में जो कि लिटरली हम आप और सब लोग फेस करते हैं। अगर आप भी एक गेमिंग पीसी ओन कर रहे होगे तो यहाँ पर आपने कभी ना कभी ये इशू तो फेस किया होगा कि आपका पीसी रैंडमली कभी कभी स्टार्ट नहीं होता, यानी कि वहाँ पर आप पावर बटन दबाते रहते हो लेकिन आपका पीसी चालू नहीं होता है, कोई भी लाइटिंग नहीं चलती है या कोई भी फैन वैन सीपीयू कूलर का नहीं चलते हैं। या दूसरा सिनेरियो ऐसा भी होता है कि जो है लाइट वाइट चल रही होती है, फैन भी चल रहे होते हैं, लेकिन आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा होता है। तो अब उस सिनेरियो पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने पीसी को डायग्नोस कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे सामने एक पीसी रखा हुआ है। अगर हम लोग इसको ऑन करने का ट्राई करते हैं तो ये पीसी ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहला और सबसे बेसिक जो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है ना, वो हो सकता है आपका PSU और इसकी केबल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक केबल है, ये PSU वाली केबल है जो PSU के साथ मिलती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है जब आप PC को ज़्यादा मूव करते हो ना तो PSU की केबल ख़राब भी हो सकती है, कहीं से कट सकती है, टूट सकती है। तो मेक श्योर आपके केबल में कोई भी विजिबल डैमेज ना हो, अगर डैमेज हो तो आपको इसे तुरंत रिप्लेस करना चाहिए। मेक श्योर यहाँ पर आपको जो PSU केबल है वो आपकी जो है PC पे अच्छे से लगी हो, चुर-चुर वाली आवाज़ ना आ रही हो, बहुत बार ऐसा भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हमारे कैबिनेट के पीछे जो स्विच होता है ना, नॉर्मली होता ही है कि हम लोग जब जो है PC को असेंबल करते हैं तो PSU को उल्टा भी लगाना पड़ जाता है। आप उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ ये कैसे पता चलेगा, जब PSU हमेशा ऑन होता है तो 1 वाला साइड है वो दबा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। भले आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो कि ये स्विच बंद है लेकिन असलियत में ये स्विच चालू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कैबिनेट में PSU उल्टा लगा हुआ है फॉर बेटर एयर फ्लो। तो पहला रूल यही है कि आप अपने केबल को थोड़ा सा चेक कर लें एंड मेक श्योर PSU का जो स्विच है वो 1 साइड वाला दबा हो, तभी यहाँ पर आपका PC चालू होगा। इन केस अगर नहीं चालू होता है तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप के आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर अब ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपका केबल ठीक है और आपका स्विच भी चालू है, उसके बावजूद भी PC में कोई लाइट नहीं जल रही है, कोई फैन नहीं चल रहा है, अब क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके जितने भी मदरबोर्ड से रिलेटेड कनेक्शंस हैं ना वो प्रॉपर हों, यानी कि जैसे कि 24 पिन वाला मदरबोर्ड कनेक्टर, हमारा 8 पिन वाला CPU कनेक्टर, ये चीज़ें अच्छे से लगी हों। ये चीज़ें आप कैसे इंश्योर करोगे? ये चीज़ें आप ऐसे इंश्योर करोगे, आप वापस उसको निकालो, एक बार फूंक मारो और वापस से उसको उसकी जगह पे लगा दो। इसी तरीके से आपको पावर वाला कनेक्शन भी देखना है, CPU पावर वाला। केवल 2 ही कनेक्शन होते हैं जो पावर सप्लाई से मदरबोर्ड की तरफ आते हैं। इन दोनों कनेक्शन को एक बार अच्छे से निकालना है, फूंकना है, वापस से लगाना है, उसके बाद अपने PC को वापस ऑन करने का ट्राई करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा PC ऑन नहीं हो रहा, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो थोड़ा सा टेकी होने वाला है, इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि हमारे कैबिनेट का जो पावर बटन है ना वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से हमारा मदरबोर्ड पता नहीं लगा पाता कि आपने ऑन करने का उसको कमांड दिया है या नहीं, इस वजह से PC ऑन नहीं होता है। मेरे पास इससे पहले NVXC का कैबिनेट था, उसका भी पावर बटन चला गया था। काफ़ी टाइम तक मैं परेशान रहा, मैं सोच रहा था भाई PC ऑन क्यों नहीं हो रहा, बाद में पता चला कि पावर बटन ख़राब है। पावर बटन वाली समस्या बहुत कम लोग को आती है लेकिन आती ज़रूर है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके मदरबोर्ड में यहाँ पर फ्रंट हेडर F पैनल नाम का एक कनेक्शन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आपको निकालना है और यहाँ पर आपको 2 पिन को, ऊपर की लास्ट 2 पिन को पेचकस की हेल्प से सॉर्ट कराना है। इनकेस अगर अच्छे से सॉर्ट हो जाता है तो आपका PC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, कंसिडरिंग कि आपका पावर सप्लाई जिंदा है और सारे कनेक्शन आपने ठीक से किए हुए हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो हम लोगों ने अपना फ्रंट पैनल का जो है वो हटा के पेचकस से शॉर्ट कराया था, तो हमारा PC ऑन हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोग को ऐसी भी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि जैसे कि PC तो ऑन हो जाता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता, याला इशू ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली जब आप कुछ साफ आफ करते हो और उसके बाद आपका PC ऑन नहीं होता है। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे अब इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। आपके PC में अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मदरबोर्ड में जो छोटा सा सेल लगा रहता है ना उसको निकाल देना है।
सेल निकालने से बेसिकली होगा ये कि आपका बायोस जो है वो रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप पीसी ऑन करोगे तो वापस से उस सेटिंग्स को बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे सेट कर देता है। कभी कभी ऐसा होता ही है कि पीसी अपने आप एज्यूम कर लेता है कि आपने कोई ऐसा हार्डवेयर लगाया है जिससे कि पीसी स्टार्ट होना है, लेकिन एक्चुअली में आपने कोई हार्डवेयर लगाया नहीं होता है, तो उस वजह से वो पॉज स्क्रीन पे तक पहुंच ही नहीं पाता, वो वहीं पर रुक जाता है। तो आपको बायोस रीसेट करने के बाद ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाती है। इन केस अगर आपने अपने सीमोस की बैटरी निकाल दी, बायोस को रीसेट भी कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वो स्टेप भी काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए बेसिकली आपको करना है, पहले पीसी को ऑफ कर देना है। यहाँ पर साइड में आपको पीसी पे अगर आप मल्टीपल रैम्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा, तो आपको करना है केवल एक रैम स्टिक लेनी है और किसी भी एक स्लॉट पे लगाना है। पहले यहाँ पर आप सारी रैम्स निकाल दोगे, एक रैम को किसी भी एक स्लॉट में लगाया, पीसी आपको डिस्प्ले मिलना चाहिए। डिस्प्ले मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, अपनी दूसरी वो वाली रैम को निकालेंगे, दूसरी रैम को दूसरी स्लॉट में लगाकर चेक करेंगे ये देखने के लिए कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ऐसे करके आप सारे रैम्स और सारे रैम स्लॉट भी चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा आपको फॉल्ट कहाँ पास है। आपको ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम भी रेक्टिफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर रैम स्लॉट चेंज करने के बावजूद भी आपको डिस्प्ले नहीं आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अब प्रॉब्लम या तो ग्राफिक्स कार्ड में है या आपके पीसीआई स्लॉट में है। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अब अपने सर्विस सेंटर भागना पड़ेगा, क्योंकि या तो प्रॉब्लम मदरबोर्ड में होगी या प्रॉब्लम आपके पावर सप्लाई में होगी। सूंघ लेना आप कहाँ से बर्न वाली स्मेल आ रही है, उसके बाद ही यहाँ पर आप उस कंपोनेंट को लेके सर्विस सेंटर जाना है। फिलहाल अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि फॉल्टी हमारा ग्राफिक्स कार्ड है या हमारा पीसीआई स्लॉट है। पहले करना ये, आपको ग्राफिक्स कार्ड को अपने पीसीआई स्लॉट से निकाल लेना है और उसको नीचे वाले पीसीआई स्लॉट पर लगाना है, ये चेक करने के लिए केवल कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं पीसीआई स्लॉट लूज हो गया हो जिस वजह से डिस्प्ले ना आ पा रहा हो। अगर ऐसा करने के बावजूद भी डिस्प्ले नहीं आती है तो 99% चांसेस है कि आपका वो ग्राफिक्स कार्ड चला गया है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप ऐसे प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो जो कि नॉन एफ इंटेल वाले हो या एएमडी का प्रोसेसर कोई भी ना हो या एपीयू हो, तो आप डायरेक्ट मदरबोर्ड से डिस्प्ले भी लेके देख सकते हो। डिस्प्ले अगर आ रही है, ग्राफिक्स कार्ड से डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो ग्राफिक्स कार्ड आपका जा चुका है। पीसीआई स्लॉट चेंज करके देख लेना, चेंज करने पे अगर ग्राफिक्स कार्ड डिस्प्ले दे रहा है तो मतलब कि ऊपर वाला पीसीआई स्लॉट डैमेज हो चुका है, आपको मदरबोर्ड सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि भैया हम लोग क्या चीज़ कैसे चेक करेंगे कि सही है कि ख़राब। देखो 99% चांसेस में ना, अगर आपका पीसी में कोई भी पावर नहीं आ रहा है या पावर आ रहा है चला जा रहा है, रैंडम शटडाउन हुआ जा रहा है, तो 99% चांसेस है कि आपका पावर सप्लाई फॉल्टी है, उसमें यहाँ पर आपको रिप्लेस कराने की ज़रूरत है। आप सूंघ के देख लेना, बर्न की स्मेल आ रही हो तो ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्न की स्मेल नहीं आती है, लेकिन डैमेज पावर सप्लाई ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अपने कूलर को अनमाउंट किया, थर्मल पेस चेंज करने के लिए ठीक से माउंट नहीं किया, तो सीपीयू के ऊपर प्रेशर ना वो प्रॉपर नहीं पड़ता है, तो इस वजह से भी कभी कभी पीसी ऑन नहीं होता। तो अगर आपने पहले सीपीयू कूलर खोला था उसके बाद पीसी ऑन नहीं हो रहा है, तो कूलर को दोबारा माउंट कर लेना अच्छे से, ताकि प्रेशर अच्छे से पड़े, पीसी तब आपका ऑन हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ट्राई करने के बावजूद भी अगर आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा है, तो आप कंप्यूटर के रिपेयर शॉप भी जा सकते हो, उनको दिखा सकते हो, थोड़ा पैसा ज़रूर लगेगा लेकिन प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी। नाउ आई होप इतने सारे सॉल्यूशन बताने के बाद आपका पीसी ऑन हो गया होगा और आप वापस से गेमिंग कर रहे होगे। वेल तो दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो हम तक देखने के लिए थैंक यू।